अपने थे जो बेगाने कैसे हो गए। मेरे दुश्मनों से दोस्ती करके मिर्जा ने महल में जगह पाई है, पर याद रहे रजिया, दुश्मन का दोस्त दुश्मन। और ये जो तुम्हारे सामने खड़ा, ये तुम्हारा मिर्जा नहीं, तुम्हारे दुश्मन रुकनुद्दीन का दोस्त मिर्जा। देख नहीं पा रहे हैं तुम्हारा नकाब को, इसलिए बता नहीं पा रहे हैं कि समझदार हो या नादान हो, पर जिस जज्बे से लड़ रहे हो मालूम पड़ता है बेवकूफ नहीं है। तो फिर क्यों लड़ रहे हो? तुम तो सख्त से अकलमंद लगते हो, फिर तुम क्यों लड़ रहे हो? हम अपनी जान की खातिर लड़ रहे हैं, हम अपने ईमान की खातिर लड़ रहे हैं। जब हाथ में हो तो बेईमान ना बन, थोड़ी तो इज्जत रख, थोड़ा तो मुसलमान बन। उतूल तो उतूल ठहरे मियां, नाबाजों की इज्जत किया करो। उफ़, खुजली ने तो हालत पस्त कर दी। जिस्म की खुजली तो मिटाई जा सकती है, लेकिन आजादी के लिए ये जो मन में प्यास है, इसे कैसे बुझाए? वक्त बीता जा रहा है और शहजादी का कुछ पता नहीं है। या मेरे मौला, शहजादी को महफूज रख, उन्हें सही सलामत वापस भेज दे। मगर ये कौन सी आफत है जो रस्सी से ऊपर आई है? आई तो है, मगर सवाल ये है कि क्यों कराई होगी? सच सच बताओ। ऊपर आने के लिए भले ही कोई रस्सी चढ़ कर आया हो, लेकिन तुम्हें नीचे फेंकने के लिए हमें रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फरमाइए, क्या बोलना चाह रही थी आप? बहुत कुछ कहना और सुनना था सुल्तान, पर अब वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा है। अगर आप बुरा ना माने तो अब्बू की दवाइयों का वक्त हो चला है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम चले जाएं। ठीक है, बेशक जाइए। दरअसल गलती हमारी थी कि हमने आपको इतना इंतजार करवाया। हम किसी और दिन आपके साथ बैठकर तफसील से बातें करेंगे।